मैं साड़ी बोलो बिस्कुट दे रहा है बिस्कुट बिस्कुट कौन दे रहा है बिस्कुट खाने के लिए बच्चे ये एक एक गाड़ी वाड़ी आ रही बता इधर आ जाओ साइड में आ जाओ चलो आ रहा बाजी एक आ रहा तो तुम्हारा हाथ का इलाज करवाना है हाथ को हाथ निकाल 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 रुको हाथ निकाल ये आओ ये दिन तो साइड पे आओ रुको रुको अरे दिक्कत वाली बात नहीं क्या क्या करते हो इस तरह से कुर्ता पहनते हो हाँ हाँ बता बता कोई बात नहीं ये भी कला है तुम्हारी बच्चों के लिए मानो आज चोरी हाँ हाँ नहीं नहीं चोरी करने में मारते हाँ हाँ सही सही बिग जिप मांगता हूँ चलो 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 ठीक है आपको मुझे अरे चलो तुम स्टार्ट करो भैया पहले इस हाथ को क्या करता है इधर से हाँ ये इसको ऐसे करके दबा लेगा और फिर ये पूरा अच्छा करके बता ये रबर क्यों है हाँ रबड़ है बाबूजी क्या इसको भी करके बताना अभी तो ऐसा लग रहा है कि तेरा हाथ है तो इसमें तो पकड़ में आ जाएगा और इस तरह से क्या दिखता है कि हाथ नहीं है और लोग खाने का हाथ नहीं बाबूजी कुछ खाने का अच्छा और लोगों से तो यार तुम तो जवान हो तुम तो कमा भी सकते हो हमारे बाबू हाथ है तुम्हें पता है ऐसा करके दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हो जो 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 स्वावलंबी होते हैं भैया तुम दिव्यांगों का अपमान कर रहे हो जो स्वावलंबी होते हैं जो जो मेहनत से खाते हैं ये कौन सा तरीका है तुम्हारे बच्चे कितने हैं कहाँ है वो दोनों लड़की गांव है हमारे गांव कहाँ है तुम्हारा गांव गांव कोटा बाबूजी कोटा बाबूजी अच्छा तो तुम तुम तुम्हें तुम्हें ऐसे कितने अलग अलग तरीके होंगे हाँ नहीं नहीं कोई हमारे साथ है धंधा करे धंधा करते ना वो हमारे साथ है बाबूजी रात्रि कुत्ता खाएगा तो दोस्तों देखो जागरूक होने की आवश्यकता इस तरह से नकली हाथ ये लगाते हैं और रबड़ से अपने ही हाथ को पेंट में इस तरह से कसते हैं रबड़ के माध्यम से कि कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसको दया आ जाएगी और इन्हें पैसे दे देगा लेकिन ये इस तरह के जवान हैं कि ये खुद कमा सकते हैं और ये दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हैं कि भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो पता है तुमको एक बिस्किट का पैकेट दिया था एक आदमी ने इस उम्मीद से दिया था कि तुम दिव्यांग हो दिया था